खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। महाराष्ट्र से जुड़ी सुबह की एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार थोड़ी देर पहले अपने घर से निकले हैं। जानकारी ये सामने आ रही है कि वो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम यशवंतराव चव्हाण की 35वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शरीक होने सतारा जा रहे हैं। तो अपने घर से कुछ देर पहले निकले हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार। हमारे संवाददाता मंदार गुंजारी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंदार, क्या पूरी जानकारी आप दे सकते हैं, किस कार्यक्रम में वो शरीक होने जा रहे हैं, कब वो वापस आएंगे? आज का दिन चूंकि महाराष्ट्र के लिए बेहद अहम होने वाला है, तो अभी संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा मंदार के साथ, लेकिन इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। जैसे ही उनसे संपर्क होगा हम जानकारी जुटाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार आज का उनका पूरा कार्यक्रम क्या होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति पर हर एक की नजर बनी हुई। आज सुप्रीम कोर्ट पे भी अहम सुनवाई होनी है, ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने घर से निकले हैं और उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर वो सतारा में एक कार्यक्रम में शरीक होने पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम यशवंतराव चव्हाण की 35वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शरीक होने वो जा रहे हैं। मंदार से अब हमारा संपर्क हो गया है। मंदार, आपसे ये जानना चाहूंगी क्या है आज का पूरा कार्यक्रम एनसीपी प्रमुख शरद पवार का, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है महाराष्ट्र के लिहाज से। आज सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई होनी है, कब वो जा रहे हैं, कहाँ वो जा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला और वापस कब आएंगे? शरद पवार आज कराड़ में जो यशवंतराव चव्हाण की समाधि है वह कृष्णा नदी के किनारे, वहां पर पहुंचेंगे। तकरीबन 8:30 बजे वहां पर वो फूल मालाएं चढ़ाएंगे समाधि के ऊपर। वैसे तो हर साल शरद पवार यहां पर आते हैं यशवंतराव चव्हाण की जयंती हो या फिर पुण्यतिथि हो, वैसे ही इस साल आ रहे हैं। ये कार्यक्रम होने के बाद वो यशवंतराव चव्हाण के जो सचिव रह चुके हैं राम खंडेकर, उनके एक किताब का विमोचन है, उस कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। उसके बाद यशवंतराव चव्हाण की पत्नी जेनिताई चव्हाण के नाम पर एक ट्रस्ट रहा है उसका एक कार्यक्रम है, उसमें भी वो शामिल होंगे और उसके बाद वो मुंबई की तरफ निकल पड़ेंगे। तो ये मुख्य तीन कार्यक्रम है आज शरद पवार के कराड़ में, इसके बाद वो मुंबई की तरफ निकल पड़ सकते हैं। मंदार, क्या कोई टेंटेटिव टाइम तय हो पाया है कि कब तक वो वापस आएंगे? दोपहर तक वापस आएंगे, शाम तक वापस आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह तो वो निकल गए हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है, हर किसी की नजर महाराष्ट्र पर आने वाले फैसले पर टिकी हुई है। ऐसे में उनके जो कार्यक्रम है पहले से तय है, आप कह रहे हैं वो हर साल जाते हैं, लेकिन उनकी वापसी का कोई तय समय पता चल पाया है? ये जो कार्यक्रम है, जैसे कि मैंने बताया कि समाधि के स्थल पर वो तकरीबन 8:30 बजे पहुंचेंगे, उसके बाद जो किताब के विमोचन का कार्यक्रम है वो सुबह 10 बजे का है, और तकरीबन दोपहर तक ये तीनों कार्यक्रम पूरे हो जाएंगे और उसके बाद दोपहर के बाद वो तुरंत मुंबई की तरफ निकल पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मंदार, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि शरद पवार हर साल इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचते हैं, इस बार भी पहुंचे, इस बार उनके कुछ और तय कार्यक्रम भी है, लेकिन दोपहर बाद वो वापस मुंबई लौट सकते हैं।